आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन से तीन खिलाड़ी है जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप भारत को जिताकर T20 से संन्यास ले लिया है और उन्होंने भारत के लिए कितने रन कितने शतक बनाए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वही नंबर एक पर आ जाते हैं। हमारे महान कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने T20 की 160 मैचों की 151 पारियों में कुल 4231 रन बनाए हैं और उनका T20 में हाईएस्ट रन स्कोर 121 है और उनका T20 स्ट्राइक रेट 140 का है। और रोहित शर्मा ने अपनी पारियों में 5 शतक लगाए हैं और अपनी कप्तानी में इस बार भारत को T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन भी बनाया है और इन्होंने 2023 में भारत को फाइनल तक भी पहुंचाया था। वहीं दूसरे नंबर पर आ जाते हैं हमारे दुनिया के नंबर वन बैट्समैन विराट कोहली, जिन्होंने T20 की 125 मैचों की 117 पारियों में कुल 4188 रन बनाए हैं और उनका हाईएस्ट T20 स्कोर 122 रनों का है और उनका स्ट्राइक रेट 137 का है और उन्होंने अपने पूरे T20 में केवल 1 सेंचुरी लगाए हैं और भारत को किसी भी मुश्किल परिस्थिति से हमेशा निकालने का दमखम रखते थे और इन्हें चेस मास्टर भी कहा जाता है। वहीं तीसरे नंबर पर आ जाते हैं भारत के नंबर वन ऑलराउंडर और फील्डिंग ऑलराउंडर, साथ साथ बॉलिंग ऑलराउंडर भी है, जिनका नाम है रविंद्र जडेजा, जिन्होंने भारत के लिए बहुत से मुश्किल परिस्थितियों में अपने टीम का साथ दिया है और इन्होंने T20 के 74 मैचों की 71 पारियों में कुल 515 रन बनाए हैं और उनका हाईएस्ट स्कोर 46 रनों का है और उनका स्ट्राइक रेट 127 का है। इसी के साथ भारत के तीन दिग्गज बल्लेबाजों का T20 से अंत हो गया और विराट कोहली ने कहा था कि काफी सारे यंग लड़के हैं, इनको भी मौका मिलना चाहिए और उन्होंने कहा कि हमने बहुत से मैच खेल लिए, अब इन्हें खेलना है और अपने देश के लिए कुछ करना है।